राधा स्वामी। सावन महीने का सत्संग आप सबको मुबारक हो। मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करें, मन को शांति दे और आपके घरों में प्रेम और सत्कार का जीवन वर्षित हो, यही मेरी शुभकामना। अशोक ने एक शब्द गाया, मैं चिंतन करता हूँ इन बातों के ऊपर कि क्या ये जो गाए जाते हैं शब्द, इनमें को मतलब है या रोचक बातें हैं। कि गुरु परमदयाल मिल गए, मैं नाम का जाप किया और जीवन बन गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही गई है। लेकिन ये लाइन जो है, ये सतगुरु महाराज परमदयाल जी महाराज के जीवन के अनुभव और मेरे जीवन के अनुभव से मेल नहीं खाती। नहीं, क्यों नहीं खाती? क्योंकि अगर जाप से ही जीवन बन जाए, कि जाप कर लिया, सिमरन कर लिया, बस अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी जीवन में जो मर्जी करो हमारा जीवन बन जाएगा, नहीं। जीवन को जीने का राज सीखो पहले, तो फिर जाप सिमरन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्यों मैं ये बात कही, मुझे न जाने कहां कहां से टेलीफोन आते हैं, किन किन गुरुओं के वो शिष्य हैं, कितनी कितनी देश से सालों सालों से उन्होंने नाम लिया हुआ है, लेकिन परेशानी है, अशांति है, घरों में सुख नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और कहते हैं कि हम जाप कर रहे हैं तो हमारा काम क्यों नहीं बनता। एक सवाल है कि जाप करने वाले का काम बनना चाहिए, लेकिन वो जाप क्या है? ये दुनिया जो है, हमारी जो दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां कर्म काम करता है, कर्म, और कर्म के साथ हमारी नियत काम करती है। अगर नियत ठीक है तो कर्म ठीक होगा, कर्म ठीक होगा तो जीवन भी ठीक होगा, और हमारी कमाई ठीक है, हमारा भोजन भी ठीक होगा, भोजन ठीक है तो हमारा मन भी ठीक होगा, कहता है महेश्वर माता। ये एक सिद्धांत है, ये एक नियम है कि जो मर्जी करो, नाम ले जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे उल्टे होकर लटक जाओ। और जीवन का मकसद क्या है? जीवन के दो मकसद हैं जो मैंने समझा, कि ये जीवन हमारा सुखमय, निर्भ्रांत, निर्डर, निर्भय और वैर मुक्त होकर, शांति से, सुख से बेफिक्र होकर शांति का जीवन व्यतीत करें। ये है ना हमारे जीवन का। और क्या है कि हमें किसी का डर ना हो, हम किसी को डराए नहीं, हमें कोई चिंता ना हो, हमें कोई फिक्र ना हो, और कोई भ्रांति ना हो, कोई वहम ना हो, तो मन साफ रहेगा, शांति रहेगी और आपके जीवन में सब कुछ मिलता जाएगा। करो, करके देखो, ये है जीवन का मकसद। और अगर चाहो कि मैं नाम जपूं और नाम जपने से मेरा जीवन बन जाएगा, जब मेरे को कारोबार हो जाएंगे, नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो हमारा जीवन है आज, जो मैं जी रहा हूँ, ये जहाँ का नहीं बना हुआ, जैसे शर्मा जी ने पहले कहा, ये कुछ कर्मी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। जो पूर्वले लेख हैं हमारे पिछले कर्मों के, जो वो ही मुझे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में ले आए। दूसरे क्यों नहीं आए? मेरे बड़े भाई क्यों नहीं आए? या मेरे और परिवार के क्यों नहीं लोग आए? क्यों शर्मा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये एक कुदरत का नियम है कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ चलेगा। जब तक तुम कर्म की सीमा में हो,
जन्म भी होगा, मरण भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, ये इस दुनिया का नियम है। और अगर इससे आगे जाना है, आगे दूसरी दुनिया में, इस दुनिया के चक्कर से जन्म मरण से पार जाना है, तो फिर क्या चाहिए? फिर मन की सीमा से आगे जाना पड़ेगा। मन की सीमा तुम्हारे जाप करने से खत्म नहीं होगी, तुम्हारे स्मरण करने से भी खत्म नहीं होगी। सिर्फ सतगुरु परमदयाल जी महाराज ने फरमाया, शर्मा जी ने ओम शब्द का प्रयोग किया। ओम शब्द क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जब तक हमारे शरीर के मन में, जब तक हमारे मन में ख्याल पैदा होता रहेगा और उस ख्याल से उत्पन्न स्थिति का हम सुख दुख उठाते रहेंगे और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा ख्याल, हमारा जीवन मरण चलता रहेगा। तो क्या करना है? हजूर परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि आ ऊ मा ओम के ऊपर एक बिंदु है, एक बिंदु है, बिंदु वह क्या है? शून्य। वहाँ ना ख्याल उत्पन्न होता है, ना ख्याल वहाँ रहता है, और ख्याल का खत्म होने की तो बात ही नहीं होती। जब ख्याल रहा ही नहीं तो उसके खत्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। शर्मा जी, क्या कहा मैंने? तो आज सावन का महीना है, क्योंकि दो शब्दों ने मुझे झजकोया तो मैंने उस पर खोज की कि क्या ये बात सत्य है, क्या जाप करने से मेरा जीवन बन गया? नहीं, नहीं बना। कब बना? जब रहमत हुई उस परम पिता की, जब सतगुरु बाबा फकीर ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, तब जाकर कहीं बात बनी, तब पता चला कि जीवन क्या है, हस्ती क्या है और इससे आगे क्या है, तब पता चला। तो आज मैं आपको सावन महीने की कुछ लाइनें सुनाता हूँ, सुनिए क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, क्या कहते हैं। आज क्योंकि कृष्ण अपने चोले को छोड़ गया, नाम भी कृष्ण है, एक कृष्ण हमारे द्वापर युग में हुए हैं, एक कृष्ण हमारे मंदिर में भी हुए, जो कि छोटी उम्र से, मैं तो बहुत देर से उसको जानता हूँ, वो जब से मानवता मंदिर बना तब से वो जहाँ सेवा करते थे, और उसकी शादी भी सतगुरु बाबा फकीर जी ने यही मंदिर में की थी, ये यहीं रहे हैं, तब से यहीं रहे। आज सुना के सुबह 8 बजे 7:45 बजे वो चोला छोड़ गए, तो उसको सामने रखते हुए आज मैं सावन के महीने की बात करता हूँ, पढ़िए। राधा स्वामी दयाल की जय, राधा स्वामी सहाय। सावन मास दूसरा, सावन मास दूसरा, सास भरी घर आया ससुरा। अब स्वामी जी महाराज ने ये दो शब्द कहे हैं कि दूसरा महीना आ गया साल का, सास तो मर गई और ससुरा आ गया। क्या मुझे नहीं पता स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, जो मैंने समझा वो बताता हूँ। ये बंद हो गया मेरे ख्याल, कोई बात नहीं। सास क्या है? हमारा शरीर है। सास क्या है? हमारा शरीर है। और ससुर क्या है? हमारा मन है। जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो मन बलवान हो जाता है। आप बूढ़े लोगों को देखो, जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने आप में ही बोलते रहते हैं, मैंने औरों की क्या बात करनी। मैंने अपनी माता को देखा, मेरी माता 98 साल की हो गई, जब 100 के करीब हो गई तो हम बैठे तोड़ते थे, तो मेरी माता ने कहा, काकू वो बाहर देख तेरे पापा आया, तेरे पापा आया, गेट खोल लो। अच्छा, मैंने कहा मैं जाता हूँ माँ जी, क्योंकि मन चला हुआ था ना, जीवन इकट्ठे गुजारा, पिताजी पहले चले गए तो माँ ये बात, और मतलब बैठे होना तो उन्होंने कोई ना कोई बात करते रहना, माँ माता क्या कहती है, मैं तो बेटा कुछ नहीं कहती।
क्योंकि मन गुणवान हो गया था। बात मेरी समझ रहे हो? हमारा क्या हाल होगा ये तो मालिक जाने, लेकिन ये बात सत्य है कि जब शरीर कमज़ोर हो जाता है मन बहुत बलवान हो जाता है, और वो बीते हुए सारा जीवन का नक्शा हमारे साथ खेल खेलता है, और हम उसी खेल में पुरानी बातों को याद कर कर के बूढ़ा बूढ़ा बोलता रहता है। बोलता है ना शर्मा जी, आपके पास तो वृद्ध बड़े रहते हैं, आप उनसे तजुर्बा करके देखो, वो बोलते रहते हैं। तो अब ये कहते हैं कि शरीर कमज़ोर हो गया और मन बहुत बलवान हो गया, तो क्या करता है ये आगे पढ़ो। सामने आया मास दूसरा सास मरी गया ससुरा काली घटा शाम मन हुआ शाम कंद में ये मन सुआ गरजे बादल चमके बिजली मन सामोड़ी आशा बदली। एक लाइन और पढ़ो। सूरत नियत की झड़ियां लागी धुन अनंत शब्दन से चाली। अब सुनो स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, वो तो मैं अगली बात फिर बताता हूँ। सावन महीने में क्या होता है, हर महीने में गर्मी बहुत पड़ी, अब भी बहुत गर्मी पड़ती है, धूप निकलती है, तो उससे क्या होता है, समुद्र से गर्मी सूर्य की किरणें पानी को भाप पटाकर ऊपर ले जाती हैं। जैसे होता है ना बरसात क्यों आती है, समुद्र का पानी सूर्य ने खींचा ऊपर ले गया, और वो जब हवा चली दक्षिण से उत्तर की तरफ चली तो बादल जो थे वो ठंडे हुए पहाड़ों की ऊंचाई के कारण, और हमारे ऊपर वो बरस गए। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि भगवान को कहो कि पहाड़ के अगली तरफ बारिश करे, वहाँ नहीं होती क्योंकि बादल बहुत ऊँचे नहीं हैं। मैंने तो जहाँ तक देखा कि जब मैं अमेरिका गया तो जहाज बादलों से ऊपर चल जाते हैं, बारिश नीचे हो रही है लेकिन जहाज के ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो ऊपर चल जाते हैं, बादल बहुत ऊंचे नहीं जाते, भारे होते हैं और बारिशा करते और ख़त्म हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए? ऐसे ही हमारे जीवन में जो जो भी ख्याल हम लेते हैं, बात को समझना, जो भी ख्याल हम सोचते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, वो विचार के रूप में इस आकाश में जाते रहते हैं, वो खत्म नहीं होते। हजूर फरमाया करते थे मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज, स्थूल मैटर खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म और कारण मैटर कभी खत्म नहीं होता, सूक्ष्म मादा और कारण मादा कभी खत्म नहीं होता, वो रंग बदलता है। जैसे पानी बरसात हुई, बादल ठंडे हुए, पहाड़ों में क्या हुआ, बर्फ जम गई, पानी बर्फ बन गया, फिर गर्मी चली, गर्मी से फिर वो बर्फ पिघल कर फिर वापस कहाँ गई, सागर में चली गई, सर्कल चला हुआ है ना। ऐसे ही हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, जो कुछ भी हम विचार जिंदगी में करते हैं वो ब्रह्मांड में जाते रहते हैं। और जब हमारा अंत समय शरीर कमज़ोर हो जाता है, जो तो हमने भोग लिए, जो कर्म हमने भोग लिए, ख्याल आया हमने भोग लिया, लेकिन जो विचार रह जाते हैं ब्रह्मांड में वो बुढ़ापे में हमारे ऊपर वर्षा करते हैं। जैसे कि अब बरसात में वहाँ का पानी ऊपर गया, ठंडा होकर हमारे ऊपर वर्षा कर रहा है। मेरी बात को पकड़ा, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई संत है, चाहे कोई गृहस्थी है,
चाहे कोई साधु है चाहे कोई सन्यासी है, वो सब इसी चक्कर में हैं। कोई भी इससे बरी नहीं हो सकता, कोई भी बरी नहीं हो सकता, ये कुदरत का नियम है। तो फिर क्या करना, फिर क्या करना? फिर संतों ने बता दिया था। संतों ने क्या कहा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने क्या कहा, सनातन धर्म ने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु नराम, सबका भला हो, एक बात। दूसरी क्या कही, शिव संकल्प मस्तु, हमेशा ख्याल नेक रखो। क्यों? क्योंकि हमारे ख्याल ने ही ऊपर जाकर वापस हमारे पास ही आना है। बात को समझे प्रिंसिपल साहब, मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, हमारे पास ही वापस आएगा, सबका आएगा, चाहे कोई संत है महात्मा है कोई भी है, कोई बच नहीं सकता। इसलिए क्या कहा, सर्वे भवन सब शिव संकल्प मस्त रखो, अच्छे विचार रखो, बुरा विचार मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास ही वो वापस आएगा, तुम बच नहीं सकते हो। तो इसलिए तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने तो हर बार सुबह की आरती में, शाम की आरती में, जब भी वहाँ अरदास की जाती है, यही कहा जाता है, नानक तेरे पाने सर्वत का भला हो। क्या कहा मैंने, तो इसलिए क्या कहा मैंने, सावन महीने का क्या शिक्षा है, सावन महीने की शिक्षा ये है कि तुम्हारे मन से भी बादल उठ रहे हैं, तुम्हारे मन से कल्पनाओं के बादल उठ रहे हैं, तुम्हारे मन से आशाओं के बादल उठ रहे हैं, तुम्हारे मन से ईर्ष्या द्वेष शत्रुता नफरता के बादल भी उठ रहे हैं, और वो कहाँ जाते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं, और वो तुम्हारे पास ही वापस आएंगे आएंगे आएंगे, उससे तुम बच नहीं सकते। जब तक, कब तक नहीं बच सकते, जब तक तुम मन में हो। इसलिए संत आए, संतों ने हमें बताया कि अगर इससे बचना है भाई, अगर इससे बचना चाहते हो तो शरीर मन और आत्मा की सीमा से आगे जाओ। जैसे शर्मा जी महाराज ने कहा, हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताका नाम फकीर। वो हद बेहद से परे चले जाते हैं, वहाँ ना जन्म है ना मरण है, ना दुख है ना सुख है, ना गुरु है ना चेला है, ना दीन है ना दुनिया है, वहाँ क्या है सखिया, वह घर सबसे न्यारा। कभी साहब ने कह दिया, वो घर सबसे न्यारा है, द्वादश पार साहब का डेरा, द्वादश पार। कभी द्वादश क्या है, द्वादश हिंदी का शब्द है, दस जमा दो बारह, बारह क्या है, हमारे शरीर के केंद्र हैं, मूलाधार से लेकर यहाँ तक छः और यहाँ से लेकर यहाँ तक छः केंद्र, बारह केंद्र हैं। जब तक हम इन बारह केंद्रों में हैं, हम द्वादश पार नहीं हो सकते। जब हम इनसे पार जाएंगे, ना वहाँ मन है, ना वहाँ बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है, वहाँ क्या है, तुम हो। जब तुम होगे अकेले तो तुम पार हो जाओगे। जब तक मन के साथ हो, कल्पनाओं के साथ हो, ईर्ष्या द्वेष के साथ हो, शत्रुता के साथ हो, मेरे तेरे में हो, तो वहाँ नहीं जा सकते। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। वृद्धावस्था चेतन लागी, अब कहते वृद्धावस्था सिर पर आ गई, हम पर भी यानी आई हुई है, आ रही है, आज जे है कल को क्या पता क्या होना। शर्मा जी वृद्धावस्था आ रही है, आगे। वृद्धावस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर पर गाजी, जब पुरुषे अब सतगुरु राखे, बहुत जीव बहुत दरकात। अब कहते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया, काल भी आ गया, काल में समय, समय कौन सा, अंत का, हर चीज का समय है। समय में पौधा लगा, पत्ते लगे, फूल लगे, फल लगे, सब पत्ते झड़ जाते हैं ना,
झड़ जाते हैं, समय पर झड़ जाते हैं, पीले होते गिर जाते हैं, बाद दरख्त खड़ा है, लेकिन एक समय आता वो दरख्त भी सूख जाता है। तो समय जो है, हम सब समय में हैं, जिसको संतों ने काल कहा है। काल का मतलब समय है, तो बुढ़ापा समय के कारण आएगा। समय बीतता गया है, बचपन और था, जवानी और है, अधेड़पना और है, और अंत समय और है। तो कहते अब बुढ़ापा आ गया तो बादल गरजने लग गए। कौन से बादल गरजने लगे? वो ख्यालों के बादल जो हमारे हैं, वो फिर ताकतवर हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अब शरीर कमज़ोर हो गया, अब वो हावी हो जाते हैं, क्योंकि तुमने उनको भोगा नहीं। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने फरमाया, जो ख्याल उठे उसको भोग लो, उसको भोग लो, उसको पेंडिंग मत करो, लेकिन वो रह जाएगा। क्या कहा मेरे दाता ने? कहा हुआ है जी, पढ़ो उनकी वाणी पढ़ो, कि जो कल्पना उठी है, जो ख्याल उठा है, जो तुम करना चाहते हो कर गुजरो। और उन्होंने कहा कि मैंने प्रण किया था दाता से कि मैं आपकी वाणी का मैं प्रचार करूंगा, तो मैं अपना ही कर्म भोग रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, भोगूंगा ताकि दोबारा ना आना पड़े। तो क्या कहा मैंने? और यही मेरा भी यही हाल है। मैंने 16 सितंबर 1981 को एक टेलीग्राम लिखी थी दाता के नाम पर, बहुत क्या कहूँ मैं, बहुत इमोशनल होकर, बहुत जिसको कहते हैं इमोशनल मीन अपने आप को भूल कर लिखी थी, कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा मेरे सतगुरु में आपकी सत्य शिक्षा का प्रचार करूँगा। वो ऊपर रह गई, पहुँच गई ऊपर और मेरे ऊपर आ गई, और आपके सामने बैठा हूँ आपकी सेवा के लिए। एक तो ये कारण, दूसरा गुरु का ऋण है, गुरु का ऋण भी तो लाना है ना। तो दो काम जाने से पहले करना जरूरी है मेरे लिए, बाकी सब हो गए। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो क्या कहते हैं। काल घटा जब आकर छाए, समय की घटा काले से सफेद हो गए, ये समय के कारण है। और वो शरीर जो दौड़ता था वो धीमा हो गया, वो टांगे जो पहले बहुत चलती थी तेजी तेजी, उसकी सीमा भी हल्की हो गई, दौड़ना बंद हो रहा है और अब चलना मुश्किल हो रहा है, सुट्टी हाथ में आ जाती है। ये किसका कारण है? काल का, समय का। चलो आगे। काल घटा जब आकर छाए, धारा मौत अधिक बरसाई, हाँ। जीव अनेक रहे घबराए, काया गड़ दीन ढाई। अब क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? ये कृष्ण कुमार मैं मिलता रहा हूँ अब पिछले 2-4 महीने में मैं नहीं मिला, नहीं तो मैं जरूर उसको मिलता था जाके। तो वो दुखी होता था, दुखी, बहुत दुखी होता था, चला नहीं जाता था। फिर सोटी से पकड़ी, फिर सोटी भी नहीं चली, फिर लेट ही गया। बात मेरी समझ गए ना? तो किसने इस ये जो हमारा किला है, किला लास्ट लाइन पढ़ी आपने, क्या है? जीवन एक रहे घबराई, काया गढ़ दीन ढाई। काया का गढ़ मीन्स किला, ये किला है, काया का किला है, इसको वो करा देता है। चल अब नहीं दौड़ना, लेट जा मंजे के ऊपर। बात समझ गए? ये सत्य है, ये सत्य है, अटल है। तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने अंत समय में जो पिट स्वर्ग से यहाँ लिखी चिट्ठी 1982 के मानव मंदिर में भी छपी हुई है, उन्होंने खास लिखा, मैंने खुद उस लेटर को पढ़ा हुआ है, कि तो कहते अंत समय आ गया है, मेरी आंखों से झिमझिम आंसू बह रहे हैं, मेरा सारा जीवन मेरे सामने है। मेरे दाता ने लिखा,
मेरा सारा जीवन मेरे सामने है और बस एक ही बात है, एक ही मेरे पास है कि मुझे अब उसमें गर्क होने का पता है कि मैं उसमें मिल जाऊंगा। ये उन्होंने लिखा, मैं जानता हूं कि अब मैं उसमें विलीन होने जा रहा हूं, मगर उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि ए इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप। कितनी बड़ी बात कह दी है, ये बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, बिल्कुल सत्य कहा, अटल सत्य कहा, वो भी मैं बताऊंगा क्यों कहा उन्होंने। तू राम नाम जप चाहे ना जप, मगर तू अपनी नीयत को साफ रख और अपना कर्म ठीक रख, क्योंकि नीयत ही जो है तुम्हारी वो इस ब्रह्मांड को खराब करती है। तुम्हारा कर्म नियत पर निर्भर है, अगर तुम्हारी नियत ये है कि उसका बिगड़ जाए मेरा हो जाए, नियत ये कि उसका छीन कर मैं खा लूं, नियत ये है कि मैं चोरी कर लूं, नियत ये कि मैं कम तोड़ लूं, नियत ये कि दूध में पानी डालूं ज्यादा इनकम हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तुम बड़े भूल में हो, तुम कुदरत के हर असूल को बदल रहे हो। तो जब कानून को बदलते हो और जमीन में खाद डालते हो, बीमारियां पैदा करते हो, तो तुम कैसे बच सकते हो बताइए? तो हमारी नेचुरल लिविंग खत्म हो गई है, कुदरती जीवन अब नहीं रहा, हम सब बीमारियों के संपट में आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस असूल को नहीं समझा। बस ये है कि पूजा करो, यात्रा करो, ये करो, वो करो, बाकी कर्म क्यों नहीं बताता कोई भी? कोई नहीं बताता कि पहले कर्म ठीक करो, अपनी नीयत ठीक करो। सबने भगवान का ठेका लिया हुआ है कि हम तुम्हें भगवान के पास पहुंचा देंगे, हम तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे। किसने देखा? मुझे ये बताओ, मैं आज यहाँ से दावे से कहता हूँ कि वो इंसान मुझे बताओ वो जो कहे कि मैंने भगवान को देखा है। कबीर साहब ने कड़े शब्दों में कह दिया, जो दिखे सो वे नाही, जो नजर आ रहा है वो नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे मन ने पैदा किया है, और जो है वो दिखे नाही। वो मालिक तो जो है वो नजर नहीं आता, उसका अनुभव किया जाता है, तुम्हारे अंदर उसकी अंश है, तुम हो उसकी अंश, तुम्हारा शरीर उसकी अंश नहीं है, तुम्हारा मन उसकी अंश नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी उसकी अंश नहीं है, तुम वास्तव में जो सुरत रूप हो, जो चेतन रूप हो, वो उस माल के कुल की अंश है। इस बात को समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको महाराज जी की बात सुनाता हूँ, ये क्यों मेरी बात समझ में आई। परमदयाल जी महाराज ने कहा, लिखा हुआ है, पढ़ो सुनो, उनकी वाणी सुनो, कि मैंने दाता के शरीर के साथ इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं उन्हें कोई भगवान समझता था। और 1921 में उनकी आरती उतारने के लिए धाम गए, और सोने का ताज, चांदी का हुक्का, एक बैठने का सिंहासन और जरीदार कपड़े लेकर उनके लिए गए, और वहां 2 महीने रहे, 2 महीने, और 2 महीने में 1 महीना लगातार दाता दयाल उनके नाम पर एक शब्द लिखते रहे, एक शब्द। जिस दिन वो ताज पहनाया और जरीदार कपड़े पहनाए और सिंहासन पर बैठाया दाता दयाल जी को, तो दाता दयाल जी ने बाबा फकीर के नाम पर एक शब्द लिखा, चेत 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 अभी चेत मेरे भाई, राह से खुड़ा गया भूला भरमाना, कहाँ बसे कहाँ न से ठौरना ठिकाना, गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, क्या कहा, संत मत धार ही तज मो माया। ये सारी जो तू कर रहे हैं माया है, ये असलियत नहीं है। और फिर क्या कहा कि गुरु कौन है, ये नहीं है, वो तेरे अंदर है, वो भी लिखा हुआ है, काहे बराना है फकीरा, तेरे घट में माल खजाना है फकीरा, क्यों भ्या दबाना है फकीरा। ये जहां तक तो लिख दिया,
तो दाता ने फिर कहा, फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं दाता मैं समझता था कि दाता कहते तेरे पास है, तो मैं जब ध्यान में बैठता था तो दाता का रूप आ जाता था, तो मैं खुश हो जाता था कि दाता तो मेरे पास है, मेरे नज़दीक है। लेकिन जब सत्संगियों ने मुझे ये बताया कि बाबा जी आप आए, मैं बीमार था, आपने दवाई बताई और मैं खा के ठीक हो गया। बच्चा कहता बाबा जी मेरा पेपर मुश्किल था, आप आए आपने मुझे पेपर करा दिया, मेरे 100 में से 98 नंबर आए। कोई कहता बाबा जी मरने से पहले माता कहती है मैं जा रही हूँ, बाबा फकीर आ गया पालकी लेकर राधा स्वामी का और चली गई। तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि मैं तो गया नहीं, तो कौन गया? उनका विश्वास गया, उनकी आस्था गई, उनकी श्रद्धा गई, जिन्होंने मुझे पैदा किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर भी जो राम कभी आता था और कभी मैं कृष्ण को देखता था, उनको छोड़कर दाता दयाल जी को अंदर देखने लग गया, तो मेरा भी ज्ञान खुल गया। ओहो, ये सारा मन का ही खेल है और मैं उससे आगे जाने के लिए मजबूर हो गया। क्या कहा शर्मा ने, ये बाबा फकीर जी महाराज की शिक्षा है। और फिर उन्होंने लिख दिया, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, तीनों से परे जाओ। वहां क्या है, नाम रहे चौथे पदमाही, जे ढूंढे त्रिलोकी माही। वो नाम नाम नहीं है जो तुम्हें दिया जाता है, नाम तीनों से आगे है, वहां है नाम और वहां फिर जन्म मरण नहीं है। क्या कहा मैंने, मैं आपको सावन महीने की वाणी बता रहा हूँ, परमदयाल जी महाराज की प्रमाण दे रहा हूँ, स्वामी जी महाराज का प्रमाण दे रहा हूँ। आगे चलो। जीवने करे घबराई, काया जड़ न दीन ढाई, जब पुरु जाए जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे, नाना कष्ट दई है पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में, कुंभी नरक मारी दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते, वै निर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास से जीव मुरझावे, अग्न खम्भ से फिर लिपटावे, हाय हाय करे तब चिल्लावे। ये मरने के बाद की हालत स्वामी जी लिख रहे हैं कि जीव को कितना कष्ट होता है, कभी नरक कुंभ में डाल गंदे पानी में डालते हैं, कभी अग्नि के खंभे के साथ बांधते हैं, कभी उनके गले में सांप डाल देते हैं जमदूत। मैं आगे खोल लूंगा इस बात को, पढ़ो आगे। सुने न कोई मुश्किल भारे, सरपन माला ले गल डाई, मार मार चौदिस से होई, पति गति अपनी सब विधि खोई, नरकन में अति तास दिखावे, फिर चौरासी ले पहुँचावे, गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर दे सब बाद गवाई। कहते गुरु की भक्ति के बगैर ये हाल हुआ और नर दे ही ऐसे ही बर्बाद कर दी, ये कह रहे हैं। आगे पढ़ो। जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होगी सबकी,
जो नहीं धारे सतगुरु अब की, सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना चौरासी नाचे। अब क्या कहते हैं, सतगुरु मिला ये लिखा, फिर पढ़ोगे सतगुरु मिला। सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना चौरासी नाचे। कहते हैं सतगुरु के बगैर कोई नहीं बच सकता, और नाम के बगैर सभी इसी चक्कर में रहते हैं। अब मेरी बात को और ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ केवल जम का उन्होंने किया जम, लेकिन जिंदगी में तो बस करें। अच्छा, जिंदगी दो मिनट में खत्म कर देता हूँ, दो ही बात कर देता हूँ, फिर मैं आवाज दे दी हूँ। जिंदगी में दो चीज़, एक धर्मराज है एक जमराज है, एक धर्मराज है एक जमराज है। धर्मराज क्या है, तुम्हारे नेक ख्याल, तुम्हारे अच्छे ख्याल, तुम्हारे खुशहाल ख्याल, तुम्हारे भलाई के ख्याल, तुम्हारे नेकी के ख्याल, ये जमराज हैं। और तुम्हारे बुरे ख्याल ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, दुश्मनी के, बैर विरोध के, घरों में अशांति पैदा करने के, ये जमराज हैं। जो इंसान बुरे ख्याल रखता है, मरते समय उनके साथ बुरी शक्लें सामने आ जाती हैं, जो नेक ख्याल रखता है उनके सामने नेक शक्लें आ जाती हैं। मेरी बात समझिए, वो अच्छा रूप आता है देखने के लिए, उनको अच्छा रूप आता है, और जिनके बुरे ख्याल हैं उनको बुरे डरावने वाले रूप आते हैं, जैसे ये बता रहे हैं दाता स्वामी जी महाराज। इसलिए संत को, संत के पास कौन आता है, संत क्या, उन्हें कहा संत के बगैर सब ऐसे दुख। संत जब, संत अच्छा संत कौन सा संत, जो खुद वहाँ रहता है, जो खुद उस अनुभव को किया है कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, वो फिर आपको हित करता है, आपके प्रति हित करता है। हित, हित मीन के इसका जीवन भी बदल जाए, हित देता है वो। और हित ही असल में नाम दान है, हित करना ही नाम दान है। माँ कितना हित करती बच्चे के साथ, और बोलना सिखा देती है, खाना सिखा देती है, चलना सिखा देती है। माई हुई ना गुरु फिर सबसे पहले, तो उसके बाद फिर पिता आता है जो हाथ पकड़ कर चलाता है, कंधे पर बैठाता है, सब कुछ दिखाता है। तो माँ बाप सबसे पहले हैं, और फिर ये गुरु। गुरु तो हमें संसार से पार करने के लिए है, जो हमें ज्ञान देता है इस संसार में कैसे जीना है और इस संसार से पार कैसे जाना है। मेरी बात समझे। तो आज मैं यही सत्संग को समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये अगली वाणी अगले इतवार को बताऊंगा। आई विल कंटिन्यू इसी सत्संग को, मैं 24 तारीख को चालू रखूंगा। सिर्फ आप राधा स्वामी की बात, कर्ण शरण की वंदना।